हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चेक योर प्रोग्रेस। चलिए शुरू किया जाए। चेक योर प्रोग्रेस और जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। हमें ये दिखाना है कि 1089 एक परफेक्ट स्क्वायर है और फिर ये किसका स्क्वायर है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1089, मतलब हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 1089 क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1089 थ्री है, थ्री से देंगे क्यों, तो 9 8 17 118 18 थ्री के टेबल से आता है तो थ्री से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 9 1 18 3 6 18 3 3 9 अगेन बाई 3 3 1 3 3 2 6 और 3 1 3 और 120 हम लोग को पता है कि 11 का होता है ना। तो 1089 तो क्या आया, 3 × 3 × 11 × 11 तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है। तो क्या सिंस 1089 कैन बी ग्रुप्ड इंटू इक्वल पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हेंस 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और वो नंबर निकालना है ना। एंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1089, तो वो कौन सा है, तो 3 × 11 इज इक्वल टू 33। सो दिस विल बी द आंसर, है ना। मतलब 1089 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका क्या आएगा, 33 आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर टू है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3675 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि 3675 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और जब भी बताया था कि मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन वाला बात हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, और जब सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन वाला बात हो तो डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3675 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चूँकि 5 है तो 5 से हम लोग दे देते हैं, 5 7 35 1 आया, 5 3 15 2 5 5 25 फिर से 5 से, 5 1 5 2 बचा 23 हो गया, 5 4 20 और 5 7 35। अब 3 से तो 7 4 11 1 12 हो रहा, 3 से हो जाएगा, 3 4 12 13 14 27 3 9 27 और 7 × 7। सो हम लोग लिख सकते हैं 3675 का क्या क्या आया, तो 5 × 5 आया, × 7 × 7 × 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 का पेयर हो रहा है, 7 का पेयर हो रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा, 3, है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 367। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3675 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, 5 3 15 कैरी 1, 7 3 21 22, 6 3 18 220 और 3 3 9 और 211। तो 11 जो है वो हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट हमको निकालना है, 11025 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 × 5 × 7 × 7 3 × 3 जिसे क्या निकाले, एक 5 एक 7 और एक 3। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 5 3 15 और 15 7 105 हो गया 105, है ना। यही हो गया इसका आंसर। टू के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
3. और थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 1 to 1 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स. तो 11 ऑड नंबर्स का सम में दिखाना है, तो 121 का ऐसे भी है ना 1 होगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 11 प्लस 13 प्लस 15 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ भी है ना. ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 11 है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब चलो ऐड करने की बारी है, तो 19 और 1 20 हो गया, 17 3 20 15 5 20 13 7 20 11 9 20. इस प्रकार से 1 2 3 4 5 25 जो 100 और 21, तो 121 हो गया. थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर. तो यहाँ पे n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 99 का स्क्वायर, और n प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर है ना. तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर नंबर लाइज बिटवीन, नंबर लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2n. दैट मीन्स 2 इंटू 99, सो 9 टू जो 18 और 9 टू जो 18 1 19, तो 198 ऐसे नंबर्स हैं है ना, जो कि 99 का स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में आते हैं, एंड दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. फोर के बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 17. अब देखो यहाँ पे 17 है, तो हमको सोचना होगा कि क्या लिया जाए, कि पहले हम लोग मेंबर्स को देख लें क्या क्या है. 2m है, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1. तो अगर 2m रखेंगे तो 17 से डिवाइड नहीं होगा, अगर m स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं तो उधर प्लस हुआ 18, तो इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. अगर प्लस रखते हैं तो माइनस हुआ 16, तो ये हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिए, 17. देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 आ गया m स्क्वायर, और देयरफॉर m इज इक्वल टू रूट ओवर 16, और 16 किसका होता है, 4 का, तो m इज इक्वल टू 4 निकला. अब निकाल लेते हैं 2m, 2m इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8. फिर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर 16 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 15. देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर eight, 15 and 17. So this is the answer. इसके अलावा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है m, एक होता है m square minus 1 by 2 और एक होता है m square plus 1 by 2. इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा, जब जरूरत होगा तो आप लोग इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 8, 9. तो 6, 8 और 9, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 8 और 9. 2 से 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8 और 9 का तो 9 ही रह जाएगा. फिर 3 से देंगे 3, 1 जा 3, ये 4 और 3, 3 जा 9, और 4 का भी चूंकि तोड़ लेते हैं है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन है इसलिए हम लोग इसको तोड़ लिए, तो हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू 2 और 3, 2 है 3 इंटू 3 है ना, 1, 2, 3, 4, 5.
इस प्रकार से देख रहे, इसका पेयर हो जा रहा है, इसका पेयर हो रहा है, किसका पेयर नहीं हो रहा, टू का पेयर नहीं हो रहा। तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू जो फोर टू जो एट और एट नाइन जो 72, मतलब 72 वो नंबर है जो कि 6, 8 और 9 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर के लिए क्या करना होगा, ये 2 को पेयर करना होगा, देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय विच इज divisible by 6, 8, 9 is 72 into क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और इस तरह से 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, तो 144 is the smallest number which is divisible by 6, 8 and 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रोज इफ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज 1764। इसका मतलब 1764 चेयर्स है उसमें, है ना, और जितने रोज हैं, सपोज अगर 5 रोज हैं वहां पे, है ना, 1 2 3 4 5 है, तो 5 चेयर्स हैं इन ईच रोज, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 चेयर्स हैं, है ना, मतलब अगर 5 रोज हैं तो टोटल कितने हो गए, 5 × 5 = 25, है ना, जो कि स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रोज, सो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, या फिर लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रोज, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारा आया, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1764, और एक्स इंटू एक्स किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764, और एक्स इज इक्वल टू ये रूट ओवर हो जाएगा 1764। चलो यहाँ तो बोला गया नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, लो डिविजन मेथड से इसको तुरंत कर लेते हैं, 1764 4 से देंगे, 4 जा क्या हो गया 16, है ना, 1 आया 164। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 4 को के तो 8 हो गया, ऐड करते हैं, है ना, 2 से देंगे, देखो 2 से देने से क्या होगा, 2 जा 4 हो गया और 8 2 जा 16, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 42 आया स्क्वायर रूट। अब जो पूछा जा रहा है वो हम लोग कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रोज, देयरफॉर The number of chairs in each row is equal to क्या हो जाएगा 42। Is it clear? चलिए बढ़ते हैं next question, question number 8। और question number 8 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 मीटर एंड 5 मीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है वो है 12 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर, हमें इसका डायगोनल निकालना है, है ना, ए बी सी डी। तो अब ए बी सी एक ट्राइंगल के रूप में सोचेंगे और ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 दैट इक्वल्स टू 169 AC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 169, और 169 क्या होता है 13 का होता है, therefore the length of the diagonal is equal to 13 meter।
ये निकलेगा, ए सी इजिकल क्या निकल गया 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर से होता है, तो पहले हम लोग किससे करेंगे, 1 से किए है ना, तो कितना आया 143। फिर 143 को हम लोग किससे माइनस करेंगे, फिर 1 के बाद 3 से, तो आया 140। और 140 को अब 5 से, 135। और 135 को माइनस करेंगे आप 7 से, है ना, 135। मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से हम लोग माइनस करते हुए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 821। और 128 को आप माइनस करेंगे 7 के बाद क्या होगा, 9 से, तो 911। फिर 119 को माइनस करेंगे 11 से, है ना, 801। और 108 को माइनस करेंगे 13, तो ये हो गया 595। फिर 95 माइनस करेंगे 15, तो हो जाएगा 08। फिर 80 माइनस 17, तो 363 माइनस 19, तो 9 4 13 2 4 6। 44 माइनस 21 क्या हो गया, तो 3 और 2, 23। और 23 माइनस 21 के बाद कौन सा आएगा, 23, सो दैट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग काउंट करेंगे 0 कितने टाइम्स में आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम्स में ये 0 आया। दैट मीन्स देयर फोर रूट ओवर ऑफ 144 इज इक्वल टू क्या होगा, 12। ये हो गया आंसर। तो सबसे सिंपल सब्ट्रैक्शन में इस तरह से हम लोग करते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, और 10 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और पहला है 5625, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5625, चूंकि 5 है लास्ट में तो 5 से ही देते हैं। 5 1 5 2 10 5 5 25 फिर 5 से 5 2 10 5 5 25 फिर 5 से 5 4 20 5 5 25 5 9 3 3। सो रूट ओवर 5625 का हो गया 5 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3। पेयर, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 1 5 बाहर निकला, 1 5 और 1 3, है ना, 5 5 25 25 3 75, इसका आंसर 1 हो गया। 2 नंबर इधर ही बनाता हूँ, 1 5 2 1 1 5 2 1 का करना है ना, 1 5 2 1 2 1 3 3 और 8 11 1 12, 3 से देता हूँ, 3 5 15, है ना। और यहीं पे थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो 3 7 21 लेते हैं, नहीं यहाँ पे 0 और उसके बाद होगा 3 7 21। फिर 3 से 3 1 3, है ना, 2 20, 3 6 18, 3 9 27, और 169 का तो पता ही है 13 × 13 होता है। देयर फोर रूट ओवर ऑफ 1521 इज इक्वल टू 3 × 3 × 13 × 13, और इसे 1 3 बाहर निकाले, 1 13 बाहर निकाले, तो 13 3 जो क्या होता है 39। ये हो गया इसका आंसर। 10 का हो गया। आफ्टर 10 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 21904 है ना,
चलो पेयर कर रहा हूँ इस तरह से, है ना, पीछे से करते हैं इसका। टू बचा तो हम लोग वन वन जा देंगे पहले, ये वन, और इसको ऐड किए तो टू हो गया, इधर वन आया, 19, है ना। टू फाइव जा तो फाइव फाइव जा 25, और फाइव टू जा 10, 11, तो 115। फाइव से 10 और टू 12 हो जाएगा ना, 5 टू जा 10, 4 से देंगे, है ना, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 टू जा 8, 1, 9, 9 से 6 सबट्रैक्ट किए, कितना हो जाएगा 3, और 9 और 2 11, 0, 4, इधर ऐड करेंगे 4, 4, 8, 2, अब किससे देंगे, इधर एक बंद करते हैं, इधर दो, 8, 8 जा, सो 8, 8 जा 64, कैरी 6, 8, 8 जा 64 में 6 जोड़े, 70, कैरी 7, 8 टू जा 16, 16 एंड 7, 23, सो 1 लिखे, फिर क्या लिखे थे, 4, और इसके बाद 8, देयरफॉर रूट ओवर 21904 इज इक्वल टू 148, ये हो गया इसका आंसर, है ना, ये पॉइंट नहीं है, 148। 11 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 108241, चलिए इसको कर लिया जाए, 108241, पेयर कर रहे हैं, 10 है, 3 से देंगे, 3 3 जा 9, इधर ऐड करते हैं, 3 और 3 ऐड किए तो 6 हो गया, इधर 1, 82, 6 3 जा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 2 टाइम्स देंगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, इधर हो गया 8, 7 से 2 घटाएं, 5, इसके बाद 41 को उतार लिए, इधर ऐड किए 4 और 6, अब कैसे देंगे, 9 से, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है ना, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 में अगर 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है 44, कैरी 4, 9 6 जा 54, और 54 में 4 जाता है 58, इस तरह से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 3, इसके बाद 2, और इसके बाद 9, देयरफॉर रूट ओवर 108241 इज इक्वल टू क्या निकला, 329। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, चलिए इसका भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 17.64, 17.64, इधर से इधर, पहले किससे देंगे, 4 से देंगे, 4 4 जा 16, इधर ऐड किए 8, सबट्रैक्ट किए 1, अब डेसिमल को लिए, उसके बाद 64 को उतारें, है ना, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो 4.2, देयरफॉर रूट ओवर 17.64 इज इक्वल टू क्या निकला, 4.2, और 12 का 2, 13.3225, इसका इधर से इस तरह से पेयर करेंगे, 13 है तो कैसे देंगे, 4 4 जा 16 हो जाता है, 3 3 जा, 3 3 जा 9, है ना, और 9 और 4 13, और इधर ऐड किए तो 6, अब पॉइंट को देंगे, 32 को उतारें, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से देते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3, 39, 12 से 6 घटाएं तो 6, यहाँ 2 बचा तो 9 3, और ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ऐड करते हैं, 6 6 12 हो गया, ये 7 हो गया, और 2 5, नेचुरली 5 से देंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 टू 12, कैरी 1, 7 5 जा 35, 136, इस प्रकार से ये कैंसिल हो गया, तो क्या है, 3, उसके बाद आया 6, और उसके बाद 5, देयरफॉर
root over of 13.3225 is equal to 3.65. ये हो गया आंसर. ट्वेल्व हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर. क्या दिया हुआ है? वन होल नंबर 25/144. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, है ना. इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो 144 में 25 को ऐड करते हैं. 144 में 25 को ऐड किए तो 549 हो गया. 4261 तो क्या निकला, ये इज इक्वल टू 169/144 इज इक्वल टू 169 को हमको पता ही है 13/12. ये हो गया इसका आंसर. 13 का 2 11 होल नंबर 225/576. तो पहले क्या करेंगे, 576 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. 576 ये रफ वर्क है एक तरह से समझेंगे. 576 को 11 से मल्टीप्लाई किए 6 7 5 6 7 5 6 7 5 12 1 13 कैरी 1 7 5 12 1 13 और ये हो गया 6. उसमें ऐड कर देंगे 225 को. 6 5 11 3 2 5 और 1 6 हो गया. 3 2 5 और ये 6. 6 5 6 1 आया. तो हो गया ये 6561/576. इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 6561 का निकाल लेते हैं. 6561 कैसे देंगे, 8 से 88 जो हो गया 64. इसको ऐड किए तो 16 हो गया, है ना. सबट्रैक्ट करते हैं, 5 से 4 घटाएं तो 1, ये कैंसिल हो गया 61. तो 1 से देंगे तो 161, मतलब इसका आया 81. और 576 का 2 से देंगे, 2 2 4, ये 4 हो गया 176. और किससे देंगे, 6 से देंगे, 4 से देंगे, है ना. सॉरी 4 से 4 4 जा 16 1 17 आ जाएगा 24. इस प्रकार से इसका जो रूट ओवर था 6561/576 इज इक्वल टू 81/24. ये हो गया इसका आंसर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर. और क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2311 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे वो छोटी से छोटी संख्या हम लोगों को निकालना है, जिसको अगर हम 2311 से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब माइनस कर लें, तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. इससे पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि अगर सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर ऐड करना हो तो हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है. और अगर मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, ऐसा पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड और दैट शुड बी डिवाइडेड, उस केस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाएंगे और यहाँ पर हम लोग डिवीजन मेथड करेंगे. तो नंबर है मेरा 2311, करते हैं 2311 किससे देंगे, 23 है, 5 5 जा 25 हो जाता है, 4 से देंगे, है ना. 4 4 जा 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किए कैंसिल हो गया 11. और यहाँ पे 4 और 4 को ये ऐड, 8 9 जो 72 में 7 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना. वी विल गिव इट बाय 8 से हम लोग करके देखते हैं. 8 8 जो 64 कैरी 6, 8 जो 64 में 6 जोड़े तो 70, है ना. अब है यहाँ 11, 11 से अगर 4 घटाते हैं तो 7 बचा, ये 0 और ये भी 0. इस पर मतलब क्या निकला, 7. देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that must be subtracted to make it a perfect square,
perfect square. तो 7 जो है वो smallest number है, ये तो पूछा गया, perfect square पूछ रहा है, नहीं. Question number 15. Find the least number which must be added to 520 to make it a perfect square. तो 520 में क्या add करें, है ना, कि ये perfect square बन जाए. तो 520 का हम लोग law of division method से करेंगे. 2 जा 4, यहाँ हो गया 4, इसको सब्ट्रैक्ट किए 120, है ना. 4 3 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हम लोग 3 टाइम्स से ही दे दें थे, क्योंकि 2 टाइम्स से छोटा हो जाएगा, है ना. और फिर हम लोग दूसरा तरीका से भी हम लोग उसको देखेंगे. तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, माइनस 9. तो माइनस 9 मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे 9 अगर इससे 7 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता. Therefore, smallest number या least number to be added, least number to be added to make it a perfect square, to make it a perfect square is equal to क्या होगा, 9. चलो second method हम लोग देखते हैं. Second method जो कि आपकी book में भी दिया गया होगा, 520 का फिर उसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे. पहले 2 से दिए, 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया. सब्ट्रैक्ट किया 120, अब 2 से देंगे, है ना. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया 22. 6 और यहाँ बचा 11, 11 से 8 घटाएं तो 3. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 36 बच जा रहा है. इसका मतलब क्या है, ये 22 का स्क्वायर से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये 22 का स्क्वायर से ज़्यादा है 520, लेकिन ये लेस है किसका स्क्वायर से, 23 का स्क्वायर से. इससे ही बात पता चल रहा है. देयरफॉर लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर से 520 को हम लोग माइनस कर देंगे. 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 529 माइनस 520, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 9. तो 9 जो है वो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड to 520 to make it a perfect square, and the perfect square will be 529. After 15, moving to question number 16. Find the greatest number of 5 digit which is a perfect square. तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि greatest number होता क्या है, greatest 5 digit number, greatest 5 digit नंबर इज इक्वल टू 9999, है ना, 1 2 3 4 5. ये जो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद अगर 1 ऐड करते हैं तो वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा. तो 5 डिजिट का ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर. लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये चेक करेंगे, और नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारा वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आएगा. तो सब्ट्रैक्ट जब करने वाली बात आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे, 9 9 9 9 9, किससे देंगे, 3 से. 3 3 जा क्या हो गया, 9, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ऐड किया तो 6 हो गया. अब 99 को उतारे, 2 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से 61, है ना, यहाँ भी 1 लिख लेता हूँ. 9 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और 9 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, 3, और इधर 2 6, फिर 99 को उतार लिया, इधर से एक डिजिट को बंद करते हैं, इधर से 2 6 6 जा, क्योंकि 6 7 जा 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो 626 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 हो गया 15, कैरी 1, 6 6 जा 36, 137, तो छोटा है, चलो इसको लगा देते हैं 6 से. 3 7 5 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 से 6
थ्री, नाइन से फाइव फोर, और एट से सेवन घटाएं तो वन, तो 143 क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे 143 को, तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। 9 से 6 सेपरेट किया तो क्या हो गया, 9 से 3 सेपरेट किया तो 6, 9 से 5 सॉरी 4 तो 5, 9 से 1 8, 9 9, तो 99,856 इज द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, मतलब स्क्वायर रूट अगर उसका हम लोग निकालने जाएंगे है ना, तो वो हो जाएगा 316 जो है दैट विल बी द आंसर और स्क्वायर रूट। तो ये हम लोग से पूछा नहीं गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट, देयरफॉर आवर आंसर विल बी 99,856। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।